हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सॉरी मैं लेट हो गई थोड़ा सा तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देख लेते हैं कौन कौन आ चुके हैं तो मिनट चलिए तो नाम ले लेते ले हैं कौन कौन है रिया विंती टॉप टेन फैक्ट मैम मैम आ जाओ आधी रोटी खा जाओ <laughs> गरिमा चौधरी दीपिका जांगीड ओके okay. और कौन आ चुके हैं हेलो गुड इवनिंग बिल्कुल ठीक हूँ मैं आफत की पुड़िया ओके <laughs> okay. सुभान खान राज महाकाल किंग राघव रवि उत्सव हेलो गुड इवनिंग उत्सव आयुष समीर शिवम दीपांशु सनातन प्रियंका हरिओम यूपी तुषार भेरू जस्ट था। मैं फोन साइलेंट कर चलिए ओके तो काफी लोग आ चुके हैं तो जैसे कि हम थोड़े से लेट भी हो गए तो जल्दी से हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं ठीक है सभी को गुड इवनिंग और देखो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है सबसे पहले ये बताओ कि संधि में किस किस को प्रॉब्लम है या किस किस को ऐसा लगता है कि संधि मुझे मैम आती तो है पर कई बार सामने ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं जिससे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ हो जाती हूँ और गलत आंसर पिक कर लेते हैं और फिर हो जाती है गड़बड़ और वहां से कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है कि नहीं समझ में आया है तो ऐसे कौन है जिनको बहुत अच्छे से आती है अच्छे से क्वेश्चन हो भी जाते हैं और ऐसे भी कौन कौन से सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताओ तो एक्जैक्टली exactly मुझे पता चल सके कि आप लोगों को संधि कितनी आती है और मुझे किस लेवल की समझानी है तुम्हारा नाम मुझे रियोंग स्ट्रिंक पता नहीं क्या नाम लिखा है विशाल कुशावा ओके पंकज ले लिए नाम अब नाम वाम बाद में लेंगे जल्दी से करते हैं प्रॉब्लम है ठीक है महादेव सिंह को प्रॉब्लम है संधि नहीं आती है प्रॉब्लम है ओके तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम कुछ नहीं आता है ठीक है तो देखो आज जो हम करने वाले मैं संधि की कोई परिभाषा नहीं करवाऊंगी बहुत कुछ संधि होंगी जिनकी मैं परिभाषा बताऊंगी या परिभाषा जस्ट एक बार पढ़ने के लिए पढ़ेंगे हमको समझने हैं रूल्स और रूल्स के साथ मैं आपको बताऊंगी पहचान करना क्योंकि कई बार शब्द आ जाएंगे आपको संधि बड़े अच्छे से आती होगी रूल्स भी पता होंगे लेकिन वहां पर शब्द देख के थोड़े से परेशान हो जाओगे तो उस सिचुएशन में कैसे हमको पहचान करनी है छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगी उससे आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी रहेगा ठीक है हार्ड लगती है लेकिन आज प्रैक्टिस करेंगे उसकी बहुत अच्छे से तो हार्ड से बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि एग्जैक्टली exactly संधि होता क्या है तो देखो दो वर्ण हमेशा दो वर्ण या दो साउंड ठीक है साउंड जो भी हम बोल रहे हैं ये क्या है ये हमारे साउंड है तो दो वर्ण या दो साउंड या दो ध्वनि जो हैं आपस में जब मिलती हैं तो मिलने से क्या होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं अगर आप सीधा सीधा लिख दो ठीक है आप लिखो राज और भवन तो राज भवन दोनों को मिला के लिख दिया तो हो गया राजभवन इसमें क्या कोई चेंज आया नहीं आया राज लिखा भवन लिखा दोनों को मैच किया राजभवन हुआ बट वहीं पर ही हमने विद्या जमा आलय लिखा तो बन गया विद्यालय ठीक है ध्यान से समझना संधि और संयोग में एक मैंने लिखा विद्या आलय और एक लिखा राज भवन हमें कोई कहे कि यह संधि है हम कहेंगे नहीं ये संधि नहीं है क्योंकि इसको जब हमने जोड़ा तो हमको साउंड सेम लगा राजभवन हम ऐसे बोल रहे हैं ना राजभवन लेकिन जब हम इसको बोल रहे तो हम कैसे बोल रहे हैं विद्यालय को विद्या आलय नहीं बोल रहे हम बोले विद्यालय है ना चेंज कर दिया बिल्कुल और हमने बोल दिया विद्यालय तो यहां पर साउंड चेंज हो रहा है तो इस परिभाषा का मतलब यही है कि जहां पर दो वर्णों को जोड़ने पर ये एक वर्ण है और ये एक वर्ण है इन दोनों के जोड़ने पर कुछ चेंजेस आए और वो चेंज ये रहा इसी को ही हम क्या कहते हैं संधि कहते हैं ठीक है ठीके? अब संधि क्या है संधि की शर्तें हैं कि संधि जो है दो वर्णों के मिलने से होती है पहली चीज तो दो वर्ण मिलते हैं और दूसरी चीज क्या होती है ये मेल जो होता है ये मेल बहुत अलग अलग तरीके से होता है स्वर और स्वर मिल जाते हैं ठीक है ठीके? कभी स्वर और व्यंजन मिल जाएगा कभी व्यंजन और स्वर मिल जाएगा कभी व्यंजन व्यंजन मिल जाएगा या फिर कभी विसर्ग और स्वर मिल जाएगा कभी स्वर स्वर कभी व्यंजन स्वर कभी स्वर व्यंजन कभी, कभी विसर्ग स्वर ऐसे करके मिलते हैं और इन्हीं मिलन को क्या कहते हैं हम संधि कहते हैं तो संधि ये दो शर्तें लेता है कि एक तो वर्ण होते हैं दो उन दोनों के बीच में कंपेरिजन होता है पूरे शब्द का नहीं होता है वर्ण का होता है ठीक है और दूसरा क्या है स्वर और स्वर का होता है व्यंजन स्वर का होता है व्यंजन स्वर, स्वर स्वर व्यंजन विसर्ग स्वर स्वर विसर्ग कैसे भी कर लो मिस है ना तो ऐसे होता है अब दूसरा है संधि के भेद की संधि के भेद कौन कौन से हैं <coughs> तो देखो संधि के दो वर्णों के परस्पर मेल को कहते हैं संधि और इस मेल के आधार पर संधि कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है देखो संधि जो है अगर ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है दोनों ही ठीक है ठीक है ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पर आपको ऐसे मिल जाए और कहीं पर आपको अनुस्वार में मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना सेम ही है ठीक है तो संधि के लिए बोला है कि दो परस्पर दो वर्णों का मेल होना चाहिए दूसरा क्या बोला है कि तीन प्रमुख भेद होते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना या हमने संधि के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वहां मोस्टली आपको ये मिलता है स्वर संधि सबसे ज्यादा स्वर संधि ही पढ़ाई जाती है ये दो संधि जो है व्यंजन और विसर्ग ये थोड़ी कम पढ़ाई जाती है और ये कम भी आती है तो अगर हम वेटेज देना पूरा हंड्रेड परसेंट संधि को कि संधि कितनी किस में आती है यहां समझ लो आप सेवेंटी परसेंट आती है और थर्टी परसेंट आपकी आती है लेकिन हमको तो सब पढ़ना है हम तो सब पढ़ेंगे क्योंकि किसी किसी बोर्ड में व्यंजन व्यंजन संधि भी आ रही है किसी में सिर्फ स्वर आती है यूपी बोर्ड में जैसे सिर्फ और सिर्फ यण संधि आती है ठीक है जो स्वर संधि के अंदर ही होती है तो ऐसे अलग अलग होते हैं लेकिन हमको सारे पढ़ने हैं और आज हम सारे रूल्स के साथ पढ़ेंगे फिर तो उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन भी करेंगे और इस तरह से आपको मैं कभी प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगी कि आप उससे या एक टेस्ट ले लेंगे कि जहां पर आप संधि से रिलेटेड टेस्ट भी दे दो ये पढ़ने के बाद ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की तो स्वर संधि होती क्या है एक सेकेंड Earth... देखो स्वर संधि क्या होती है स्वर जो है जब बात ही स्वर की हो रही तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वर आते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वर की बात होती है ना तो व्यंजन आता है ना विसर्ग आता है सिर्फ स्वर आता है परिभाषा ध्यान से देखना दो स्वरों के मेल से उनमें होने वाले विकार यानी कि चेंजेस यानी कि परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं स्वरों का पारस्परिक मेल मुख्य रूप से पांच प्रकार का होता है ठीक है जो उनके भेद होते हैं जो उनके मेल होते हैं जो स्वरों का मेल होता है वो पांच प्रकार का होता है और इसी के आधार पर स्वर संधि की कितनी होती है पांच भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं ये रहे दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि संधि और अयादि संधि ठीक है स्टार्ट करते हैं दीर्घ दीर्घ मतलब क्या होता है बड़ा तो बड़ी बड़ी होगी देखेंगे कैसे सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की तो मैंने कोई परिभाषा नहीं लिए सीधे रूल्स लेके शुरू किया है हमेशा संधि के लिए क्या ध्यान रखना कि मेरे लिए संधि होगी ऐसे ठीक है हमेशा मुझे ऐसे ध्यान रखना है संधि के लिए संधि की मुझे जब भी संधि होगी मेरे को आगे आगे पीछे का कोई नहीं लेना देना है मुझे इस वाले पहले वाले का यहां से और इस वाले का यहां से इन दोनों के बीच में कुछ चेंज होगा वही मेरा वही मेरा काम होगा तो इसी के लिए जैसे ये शब्द मान लो यहां पर एक कोई शब्द है तो यहां पर अगर आप जो कंपेरिजन करोगे वो कुछ यहां इस वाले चीजों को करोगे सॉरी यहां तक ठीक है और ये यहां तक और जब इसकी बात करोगे यहां पर तो आपके लिए ये होगा कंडीशन ये जो प्लस है ये प्लस हीरा यहां पर और ये हीरा दीर्घ संधि के लिए क्या कहा है कि अगर आपके यहां पे जो पहला शब्द है उसका वर्ण क्या हो अ हो और दूसरी साइड भी क्या हो अ आ आ हो तो वो क्या बन जाता है आ बन जाता है मतलब दीर्घ हो जाता है चाहे आप अ चाहे आप यहां का आ लो या यहां से आ लो यहां से आ लो या इधर का आ लो या इधर का आ लो कुछ भी ले लो बनेगा तो ये दीर्घ बनेगा ठीक है दूसरा क्या बोला है ई और ई यही की बात कर रहे हैं अगर यहां पर छोटी ई और बड़ी ई है ठीक है और यहां पर भी छोटी ई और बड़ी ई है तो बनेगी क्या बड़ी ई ही बनेगी इधर से छोटी लो इधर से बड़ी लो इधर से बड़ी लो इधर से छोटी लो इधर से छोटी लो इधर से छोटी लो कुछ भी लो बनेगी क्या बड़ी ई यानी हमारी मात्रा कौन सी लगेगी बड़ी वाली लगेगी अब आ की मात्रा क्या होती है ऐसे होती है बड़ी की मात्रा कैसी होती है ऐसी होती है ठीक है दूसरा क्या कहा है उ और उ, उ और उ तो ये भी इसके लिए भी यही हो गया यहां उ यहां पर उ यहां भी उ यहां पर भी उ बनेगा क्या उ ही बनेगा ठीक है मैडम जी ये तो समझ में आ गया कि ऐसे बड़ी बड़ी बड़े बड़े आएंगे लेकिन हमको अगर एक शब्द मिल जाएगा ये तो हम पहचान लेंगे यहां पर अगर विच्छेद किया होगा तब तो हम पहचान लेंगे कि अच्छा हाँ यहाँ पे अ या आ होगा या यहाँ पे अ या आ होगा तो मिक्स होके आएगा लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये शब्द में ये वाली संधि है तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द मिलेगा ना उस शब्द के बीच में आपको ये वाली मात्राएं दिख रही हैं क्या अगर दिख रही हैं तो हो सकता है वहां दीर्घ संधि है और अगर नहीं हो रही हैं तो कुछ और होगा और कई बार ऐसा भी होगा ये बड़ी मात्राएं दिखेंगी लेकिन वो दीर्घ संधि नहीं होगी उसके रूल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी हमें अगर पहचान के तौर पर देखना है तो हमें ये देखना है कि हमारे शब्द के बीच में ये बड़ी मात्राएं अगर दिखती है तो एक पल के लिए हम इसमें दीर्घ संधि का थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं तो ये तो हुई पहचान करने की ट्रिक अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट उदाहरण क्या दे रखा है रामा ठीक रामावत रामावतार अब यहां पे आपको शब्द के बीच में आ की मात्रा दिख रही है और इतना सेंस तो हमें हो ही जाता है कि ये शब्द में टुकड़ा कहां हो रहा है कहां कट सकता है इतना हमको पता चल जाता है तो जैसे राम अवतार दे रखा है अब आप इसको जब तोड़ने लगोगे आपको जब तोड़ना होगा यानी कि इसका विच्छेद करना होगा तो आप कैसे करोगे आप लिखोगे राम और अवतार ये तो हमको पता है कि राम अवतार होता है लेकिन हमको नहीं पता होता हमें नहीं पता कि राम और अवतार ही होता है तो आप कैसे करोगे आप क्या करोगे आप ये देखोगे कि मात्रा क्या बनी है आ की बनी है और आ के लिए क्या लेते हैं आ के लिए हम ये लेते हैं अब हम लगा के देखते हैं इसको तोड़ते हैं कैसे तोड़ेंगे हम एक तो लिखते हैं राम और एक लिखते हैं अवतार दूसरा हम क्या लिखते हैं एक अगर मान लो ये अ नहीं है हम आ लगा के देख लें चलो रामा और आवातार तीसरा हम और कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे राम लिखें यहां पे अवतार लिखें जब आप देखोगे तो आपको सेंस हो जाएगा कि रामा अवतार तो नहीं लग रहा है ये सही लग रहा है तो फिर हम इसको लेंगे और कर देंगे विच्छेद ये तो कैसे होगा जब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा सही शब्द है क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आएंगे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है महेश्वर अब इसमें मजा आएगा देखना कहा करूं इसे दो मिनट रेस कर देते हैं। महेश्वर ठीक है इसको तोड़ते हैं क्या दिख रहा है आपको बड़ी की मात्रा दिख रही है जब जैसे ही बड़ी की मात्रा दिख रही है तो आपको क्या आ जाएगा ई और ई वाला आ जाएगा अब हम लगाते हैं एक तो मैं लिख रही हूं मही बड़ी की मात्रा लगा के अब जरूरी है क्या बड़ी की हो छोटी की भी लगा के देख लेते हैं एक लिखा मैंने मही एक मैंने लिखा ईश्वर छोटी वाला और एक मैंने बड़ा लगा के देख लिया ईश्वर अब आप बताओ कौन सा सही है मही ये वाला सही है या ये वाला सही है ईश्वर ये वाला सही है या ये वाला सही है इसको मैंने वन नंबर दिया है इसको मैंने टू नंबर दिया है तो कौन सा सही है ये वाला सही है या ये वाला सही है जल्दी से बताओ अगर हिंदी की है तो ज्यादा बेटर है फर्स्ट वाला बोथ बोथ नहीं बोत नहीं सही है। देखो मही तो ये वाला सही है और ईश्वर ये वाला सही है हम ईश्वर बोलते हैं ईश्वर बोलते हैं हम ईश्वर बोलते ईश्वर नहीं बोलते ना तो ईश्वर का तो ये ईश्वर सही है और मही का ये वाला सही है तो इसका सही विच्छेद क्या होगा मही ईश्वर अब पता है ये कहां पर काम आएगा ये काम आएगा जब आप एग्जाम में फंस जाओगे और आपको ऐसा दिखेगा ऑप्शन में ये भी दिखेगा ऑप्शन में ये भी दिखेगा तब आपको ये चीज ध्यान आएगी कि मैं क्यों ना इनको अलग अलग करके देखूं कि मुझे कौन सा चीज समझ में आ रहा है क्योंकि ईश्वर भी हमने बहुत बार ऐसा वर्ड देखा है और मही भी हमने कई बार देखा है और वहां से हमको ये चीज क्लियर हो जाएगी ठीक है तो बताओ दीर्घ संधि आपको समझ में आई कि दीर्घ संधि कैसे करते हैं हमेशा हमको क्या दिखेगी शब्द में बड़े आ की मात्रा जो है बीच में हमको दिखेगी और इस तरह से हम उनको अलग अलग करके देख लेंगे ठीक है अगर ये आपको समझ में आ गए हो तो फिर हम आगे बढ़े वही <coughs> 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 <mahi>, ये गलत हो गया ये ये वाला ये वाला भाई ये वाला सॉरी सेकंड वाला ही पूरा का पूरा यही सेट सही है ठीक है इसको हटा देना मही मही नहीं बोलते हैं, मही बोलते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दीर्घ संधि के बाद देख लेते हैं हमारी गुण संधि गुण जिसमें गुण होते हैं ऐसा होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है गुण संधि के लिए कुछ और रूल्स है अब आपको यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी दीर्घ देखा था तो दीर्घ में हमको समझ में आ रहा था अ अ और आ आ का कॉम्बिनेशन होता है ई और ई ई का कॉम्बिनेशन होता है उ ऊ उ, और उ, उ, उ कॉम्बिनेशन होता है बट जैसे ही हम गुण संधि पे आएंगे तो हम अगर आगे की ओर संधि पढ़ते जाएंगे तो हमको क्या हो जाएगी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए मैं यहीं पर ही आपको एक चीज बता रही हूं कि जब आप गुण संधि देखोगे ना तो गुण संधि में ध्यान रखना यहां पर तो सब जगह सेम यही होता है ठीक है अ आ, 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 आ इससे पहले हमने जब भी देखा था दीर्घ संधि में तो सेम सेम होते थे अ आ, आ के साथ अ आ, आ होता था ई के साथ ई ई होता था उ उ के साथ उ उ, उ होता था बट गुण संधि में क्या होता है गुण संधि में सभी जगहों पर यहां पर क्या होगा अ और आ होगा यहां चेंज होते रहेंगे यहां क्या आ जाएगा ई ई आ जाएगा उ, उ आ जाएगा और री हो जाएगा जब अ और आ के साथ ई और ई मिलता है तो क्या बनता है ए और इस ए की मात्रा क्या होती है ये अब हमारी पहचान क्या होगी जब हम शब्द के बीच में क्या देखेंगे ऐसी मात्रा देखेंगे तो हम वहां शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है यहाँ पर गुण संधि है वही दूसरी जगह अगर हम उ और ऊ देखते हैं तो ओ और ऊ के साथ जब हम ओ देखते हैं तो ओ से क्या बनेगी ओ की मात्रा बनेगी और जैसे ही ओ की मात्रा देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ शायद गुण संधि हो सकती है ऐसे ही अर् अब अर् कैसे करोगे अर जो है वो र आधा है ना तो इसकी पहचान सबसे बढ़िया पहचान ये होती है कि जो भी शब्द लिखा है उसके लास्ट में आपको ऐसे र की मात्रा दिखेगी जैसे सप्तऋषि हो गया ना देवर्षि हो गया शब्द के बीच में नहीं है ना शब्द के लास्ट में आपको र की मात्रा दिखे तो आप पहचान कर सकते हो कि ये क्या है गुण संधि है तो गुण संधि की पहचान बहुत जरूरी है क्योंकि शब्द मिलेगा तो आप पहचान कर लोगे तो आप उसका विच्छेद भी कर पाओगे अगर पहचान ही नहीं कर पाओगे तो घूमते रह जाएंगे कि यार पता नहीं इसमें कौन सा रूल लगेगा रूल तो याद है लेकिन जब संधि ही नहीं पता कर पाएंगे तो फिर रूल भी नहीं लगा पाएंगे तो इसलिए आपको पहचान के लिए ध्यान ये ध्यान रखना है कि शब्द के बीच में मुझे ए की ओ की या फिर र की मात्रा दिख जाती है ऋषि ऋषि की र वाली ऊपर वाली मात्रा दिख सॉ तो की ऋषि की तो नीचे की होती है ये र र आधा वाला रा जो है अगर आपको किसी शब्द के अंत में दिख जाता है तो ये बन जाती है हमारी गुण संधि अब से देखते हैं ज्यादा अच्छे से होगा जैसे क्या दे रखा है फर्स्ट दे रखा है उमेक्षा आपने क्या किया जैसे ही मात्रा देखी आपको लगा कि हाँ यहां पर हो सकता है अब आपको पहले क्या ध्यान रखना है ए ये ध्यान रखना है कि ए कैसे बना होगा ए बना होगा इधर तो होगा अ और आ बट इधर क्या होगा इधर होगा हमारा ई या फिर बड़ी ई तभी हमारी क्या बनी होगी ए की मात्रा बनी होगी ठीक है जैसे ही आपने ये देखा मात्रा आपको ये फॉर्मूला याद आ गया कि ऐसे बना होगा अब आप बनाओ एक तो अ के साथ लिखो उम एक आ के साथ लिखो उमा एक ऐसे ही लिखो इच्छा एक लिखो इच्छा बताओ कौन सा वाला सही लग रहा है आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है एक तो दे रखा है उम इच्छा एक दे रखा है उमा इच्छा तो सही तो होगा उमा उम तो कुछ नहीं होता नहीं है उमा इच्छा उम इच्छा और इसका संधि विच्छेद क्या बन जाएगा इसका संधि विच्छेद बन जाएगा उमा इच्छा ठीक है एक बार अभी एक और एग्जाम्पल सीखेंगे उससे और आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है इच्छा ये वाली होगी इच्छा ये वाला नहीं होता है ठीक है आगे बढ़े एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट देखा क्या, देखो क्या दे रखा है लोको उद्धार ठीक है अब यहां पर आपको जैसे ही शब्द के बीच में क्या दिखा ओ की मात्रा दिखी ओ की मात्रा देखते ही अभी आप सिर्फ गुण संधि को ध्यान रख रहे हो अभी आने वाले और रोज देखोगे तो वहां पर विसर्ग संधि के लिए भी आपको ओ की मात्रा दिखेगी उस टाइम आपको बताऊंगी कि कैसे ये गुण संधि है और कैसे नहीं है कैसे विसर्ग संधि है तब हम उस इसके बारे में तब बात करेंगे ठीक है अभी के लिए हमको ओ की मात्रा देखनी है तो क्या दे रखा है दे रखा है अब क्या करें ओ की मात्रा दे रखी है तो उसको हटाओ क्या करें ओ की मात्रा में क्या साउंड आएगा ओ की मात्रा के रूल्स आएगा अ और आ के साथ क्या होना चाहिए ये उ और ओ होना चाहिए तभी ओ बनेगा ठीक है ये रूल हमको उस टाइम याद आ जाएगा तो हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा लोक लिखूं या लोका लिखूं और उद्धार लिखूं या उधार लिखूं तो लोक सही है और उद्धार सही है मतलब फर्स्ट वाला सही लग रहा है दूसरा तो अजीब सही लग रहा है तो ये वाला सही है इसी को ही हम लिख देंगे लोक उद्धार ठीक है क्लियर हुआ कि हमको कैसे पहचान करनी है जैसे ही आपको ओ की मात्रा दिखती है ए की मात्रा दिखती है शब्द के अंत में र दिखता है इस तरह से तो आप जान जाएंगे कि ये शायद गुण संधि है और गुण संधि के लिए क्या ध्यान रखोगे कि यार इस तरफ तो सारा अ अ ही है इस तरफ चेंज होता है तो इ के साथ क्या बनता है ए बनता है उ उ के साथ बनता है ओ और ऋ ऋषि के साथ अर बनता है ठीक है ये अर एक और देख लेते हैं क्लियर हो रहा है तुम लोग बातें बहुत करते हो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते बस बातें करने में लगे रहते हैं इसका पीडीएफ हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ में देखूंगी अगर किस तरह से भेजा जाता है मैंने कभी इस, आ, लाइव का पीडीएफ मेरे को पता नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट है देवरशी चलिए आगे देखिए दे, देवरशी देवरशी देवर्षी में देखो क्या दे रखा है ओ देखो ये र अब जब ना आपको बीच में रह मिल जाएगा वहां नहीं सोचना कि यहां पर भी गुण संधि होगी वाणी होगी इसकी पहचान ही है कि शब्द के अंत में होगी तो देवर्षि को देखो कैसे करेंगे लिखू। यहां लिख देती अब आपको क्या दिख रहा है अब आपको ये दिख रहा है एक तो देव दिख रहा है देव सही है ना और यहां पर क्या दे रखा है ये जो र है ये र कैसे बना होगा ये रा बना होगा ऋषि से सिंपल और क्या कर देंगे लिख देंगे देव और ऋषि और इसके साथ देव के साथ देवा ऋषि तो लिखेंगे नहीं देव ही सही लग रहा है और यही इसका संधि विच्छेद भी बन जाएगा और लिख देंगे देव ऋषि ये जितना टफ दिखता है उतना ही इजी है क्योंकि इसके साथ तो कुछ है ही नहीं ना कि हमको छोटा ऊ लगाना, लगाना है बड़ा ऊ लगाना है सिंपल एक ही दे रखा है इसी को ही लगाना है तो ये बन गया हमारा क्या से ऋषि के साथ अर बन गया अब क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं कई बार आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि बोला जाएगा अ और आ के साथ ऊ और ऊ मिलने पर कौन सा वर्ण बनता है कौन सा स्वर आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप होगा अ आएगा ओ आएगा ओ आएगा या अंग आएगा तो वहां के लिए आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं मैंने तो एमसीक्यूज बेस पे आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जो कि बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है यहां तक क्लियर हो गया गुण संधि क्लियर हो गई आगे बढ़े चलो डन चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है वृद्धि संधि वृद्धि मीनस क्या होता है बढ़ोतरी वृद्धि 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 तो जो गुण संधि है ना उस गुण संधि में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है अब तक हम क्या कर रहे थे जो ए की मात्रा देख रहे थे ओ की मात्रा देख रहे थे अब इन्होंने बोल दिया हमारी मात्रा में वृद्धि कर दो तो पहचान कैसे करोगे जहां पर आपको ए की मात्रा मिल जाए जहां पे आपको औ की मात्रा मिल जाए वो हो जाती है हमारी वृद्धि संधि तो शब्दों के बीच में आपको क्या मिलेगा कुछ ये मात्राएं मिलेंगी रूल्स देख लेते हैं क्या है रूल्स ये है कि अ और आ के साथ ए और ए मिल जाए तो ए हो जाता है ऐसे ही अ और आ के साथ ओ और ओ मिल जाए तो ओ हो जाता है अब आपको करना क्या है आपको फिर से दीर्घ संधि से शुरू करना है दीर्घ संधि में क्या होता था अ अ का था। के साथ कॉम्बिनेशन वो तो होता था इ के साथ ई ई होता था उ के साथ उ उ होता था जब गुण संधि में आए तो अ आ के साथ क्या होता था ई आता था फिर जाकर के क्या बनता था वो बनता था ऐसे ही जब आ, किसकी बात करते हैं सॉरी ई के साथ क्या बोला था मैंने हाँ जब अ और हां ए बनता था ठीक है और जब अ आ, आ के साथ हम किसको लेते हैं उ, उ को लेते हैं तो ओ की मात्रा बनती थी गुण संधि की बात कर रही ठीक है लेकिन यहां पे क्या है यहां पे जो मात्रा लगा रहे ना आप पहचान कैसे करना जो मात्रा लगा रहे ना उसी का ही छोटा रूप आता है ठीक है यानी यही आता है ए या आ ए आता है और ऐसी इसकी मात्रा लग रही है तो इसी का ही कोई रूप आएगा ओ या ओ आएगा ये पहचान करना ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब पूरी संधि सीख लोगे तो बहुत डिफिकल्टी आने वाली है क्या आप पहचान ही नहीं पाओगे तो इसलिए ध्यान रखना कि दीर्घ में तो सब सेम सेम होता है गुण संधि में अ आ अगर जग, एक जगह तो अ होता है दूसरी जगह पे क्या होता है ई होता है उ ऊ होता है और री ऋषि होता है जब हम वृद्धि संधि की बात करते हैं तो अ आ तो होता है लेकिन यहां पर क्या होता है जिसकी मात्रा लगा रहे ना उसी का ही कोई रूप होता है या फिर छोटा होता है या बड़ा होता है ठीक है इस तरह से आपको ध्यान रखना है अब शब्द देख लेते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है महेशना। अब आप पहचान कैसे करोगे लिखा है महेशणा पहचान सीधा सीधा हो जाएगी मात्रा की वृद्धि हो रही है अगर यहां पे एक मात्रा है तो किसकी बात हो रही होगी गुण संधि की देखेंगे ना अगर दो मात्राएं हो रही है तो क्या है फिर ये वृद्धि संधि है तो महेशणा करो अलग कैसे करोगे जैसे ही ये देखोगे अपना रूल लगाओगे रूल क्या होना चाहिए अ आ, आ के साथ इसी की मात्रा के ग्रुप को लेना है ठीक है ए और ए लेना है ये कोई नहीं बताता है बताए है? हम पूरी परिभाषाओं में उलझे रहते हैं और ये चीज कर ही नहीं पाते हैं तो ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमको मुसीबत से बचाएगी तो अ आ, आ के साथ ए ए होगा तो जाके क्या बनेगा ए बनेगा चलिए करते हैं क्या लिखू एक मह लिखू एक महा लिखू एक ऐशणा लिखू एक ऐशणा लिखू बताओ कौन सा सही है वन नंबर सही है या टू नंबर सही है बताओ ये जो भी बात कर रहे हैं ना ब्लॉक मार देंगे उनको फालतू की बातें जो कर रहे हैं कौन सा वन नंबर सही है टू नंबर सही है महेंद्र कह रहे हैं टू सही है शिवम भी कह रहे हैं टू सही है रौनक भी कह रहे हैं टू सही है सही बात है सही है सही है सही है वेरी गुड सही है बिल्कुल सही है यही वाला सही है अब एग्जाम में क्या होगा एग्जाम में हमको ये वाला भी दिखेगा और एग्जाम में हमको इसके अंदर आ की मात्रा डल के भी दिख जाएगा सॉरी तो आपको ध्यान रखना है कि मेरा वाला कौन सा सही है मुझे कौन सा फील आ रहा है अब हमने ये शब्द कभी नहीं देखा है हमने ये जरूर देखा है तो यही सही है और यही हम लिख देंगे महा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वनोष्ट वन कैसे बनाएंगे अब दिख रहा है ओ की मात्रा तो ओ की मात्रा कहां होती है ओ की मात्रा के लिए तो रूल होता है अ और आ के साथ इस ओ की मात्रा का ही हमको ग्रुप लेना है या तो ओ होगा या फिर अ होगा सॉरी ऐसे कर दो तो क्या करें वन औषध को एक वन लिखें, या वना लिखें? दूसरा औषध लिखें, या औषध लिखें? बताओ कौन सा सही है फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है देखो आपसे ही चेक करवा रही हूं मैं आप खुद ही चेक करके मुझे बताओगे कि दिख के कौन सा सही लग रहा है फर्स्ट वाला सही है बिल्कुल पढ़ने वाले दो तीन बच्चे हैं क्या दो तीन बच्चे रिप्लाई करते हैं बाकी तो रिप्लाई नहीं करते हैं प्रियांशु ने किया है कमलेश ने किया है योगेश ने किया है शिवम ने किया है विशाल ने भी किया है मुहानी ने भी किया है बच्चे इतने देख रहे हैं लेकिन बाकी सारी बातें कर रहे हैं प्लीज बातें मत करो यार। आप अपना इतना वेस्ट करते हो बातें बाते बाते ना करके आप पढ़ लो थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपके काम ही आएगा वैसे मुझे तो कुछ नहीं है टाइम आपका वेस्ट होगा लेकिन जो चीज जरूरी है जो जिस टाइम पे आप उसको वो उसको करो तो ज्यादा बेटर है ना चलिए आगे बढ़े एक और है ये आपके लिए ना आप सब लोग इसको एज अ होमवर्क करना ओके हम आगे बढ़ते हैं चलिए इसका आप सभी लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में डाल देना लेकिन प्रॉब्लम यही आएगी कि हिंदी कीपैड सबका नहीं होगा तो संधि में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि संधि के लिए हमको हिंदी वाला की पैड चाहिए होता है तभी हम अपना आंसर सही से जस्टिफाई करवा पाते सामने तो समझ ही नहीं आता है कि इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं और हिंदी में उसका क्या हम मतलब निकाल रहे हैं ठीक है तो जिस जिसके पास हिंदी की बैड है वो ट्राई कर लेना बाकी ठीक है कोई नहीं और जो डाउट ग्रुप में है वो फोटो क्लिक करके भेज देना आपने कि हमने मैम इस तरह से इसको बनाया है आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि हो गया वृद्धि संधि के बाद चलते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली हमारी संधि वो है यण संधि यण संधि पता है क्या है यण संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में तो बिल्कुल डायरेक्ट इसी पे ही पूछा जाता है और आते हुए भी हम कई बार इसको गलत कर देते हैं पता है कि एक ही संधि आ रही है फिर भी हम उसको गलत कर देते हैं वो गलत इस वजह से करते हैं क्योंकि हम पहचान नहीं कर पाते हैं और पहचान सही से नहीं कर पाते हैं तो हम इसको तोड़ भी सही से नहीं पाते हैं तो तोड़ना यानी कि विच्छेद को मैं तोड़ना बोलती हूं ताकि सिंपल में समझ में आए तो तोड़ भी नहीं सकते हैं और जब सही से नहीं तोड़ते हैं तो फिर उसका क्या आ जाता है रिजल्ट जीरो आता है चलिए देखते हैं क्या है अब तक सब कुछ चाहे दीर्घ संधि हो गुण संधि हो वृद्धि संधि हो क्या हो रहा था यहां पर हमेशा इस जगह पर जो हमारे दो शब्द होते थे ना दो शब्दों में इस जगह पर यहां इस जगह पर अब से पहले क्या क्या आया था अ आया था ठीक है गुण में भी अ आया था वृद्धि में भी अ आया था और दीर्घ में जब आया था तो यहां पर ई या ई आया था बट कॉम्बिनेशन में यहां पर भी ई ई आया था अगर ऊ ऊ आया था तो यहाँ पर भी उ -उ आया था लेकिन इस बार क्या है इस बार उन्होंने बोला हटाओ ये अ आ, आ तो हमको चाहिए ही नहीं ये तो दिखना ही नहीं चाहिए हमारे लिए तो चाहिए बाकी के बाकी के यानी कि ई ई आ सकता है उ -उ आ सकता है रि ऋषि आ सकता है और इनके साथ कोई भी स्वर आ जाए कोई भी मतलब कोई भी हमारे जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे स्वर आ सकते हैं भी आ सकता है आ भी आ सकता है ऊ भी आ सकता है ई भी आ सकता है ई भी आ सकता है ठीक है कुछ भी आ सकता है कोई भी स्वर आ सकता है कोई भी स्वर आए लेकिन बनेगा क्या आपको तो, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है ई के साथ क्या होता है य बनता है उ ऊ के साथ व बनता है साथ बनता है आपको बस ये ध्यान रखना है स्वर कौन सा आ रहा है हमको मतलब नहीं है हम मतलब कैसे निकालेंगे ये स्वर जो है वो ऐसे निकालोगे कि अगर आपके पास इधर क्या है ई ई है और यहां पे कोई भी स्वर आ रहा है तो आपको तो यही ध्यान रखना है यहां तो बनेगा या। आधा ठीक है य बनेगा अब मान लो मैं कोई भी स्वर मैंने बोल दिया कि इसमें ई डाल दो ठीक है छोटी ई डाल दो तो जैसे आप जो स्वर डालोगे ना वही मात्रा यहां लग जाएगी तो जैसे छोटी ई डाला है तो बन जाएगा ये अगर मैंने बोला यहां ई नहीं ऊ लगाना है तो क्या बन जाएगा यू अगर मैंने कहा नहीं बड़ा उ लगाना है तो क्या बन जाएगा यू जैसा आप यहां पे स्वर चेंज करोगे वैसा यहां पे मात्रा लग जाएगी सेम गोस टू इसके लिए किसके लिए उ, उ के लिए इसके लिए भी सेम यही होगा कि आप ऊ ऊ के साथ कोई भी स्वर डालो तो बनेगा व अब मैंने व इस यहां इस स्वर में क्या डाल दिया मैंने इधर डाल दिया ओ की मात्रा डाल दी तो बनेगा वो मैंने डाल दिया की मात्रा तो बनेगा वो ठीक है मैं कुछ भी डालू इसमें कोई भी स्वर डालू चेंज आएगा इसमें ठीक है दूसरा एक री ऋषि के लिए बात करते हैं री ऋषि के साथ कोई भी स्वर डालेंगे तो बनेगा क्या क्लियर तो ऐसे करके बन गया अब आपको जैसे देखना है कि पहचान कैसे करेंगे मैम इसमें भी तो पहचान बता दो तो पहचान इसकी ये है कि जब कभी आपको कोई शब्द दिखेगा ना उस शब्द में आपको ये दिखेंगे बीच में है ना ये दिखेंगे बीच में लेकिन ऐसा तो बहुत सारे शब्द में हो सकता है बट इसके लिए एक और चीज है कि जब आप इसको शब्द के बीच में देखोगे ना तो इससे जस्ट पहले वाला जो भी अक्षर होगा जो भी वर्ण होगा वो होगा आधा ठीक है यह से पहले मान लो कुछ वर्ड है न है तो वो हो गया आधा व है तो आपको पहचान करनी है कि व से जस्ट पहले अगर मेरा कोई आधा वर्ण है तो समझ लो वो वहां पे क्या है यण संधि है तो ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है कि जो भी ये बन रहा है ना य व र इसके जस्ट पहले आपको कुछ हाफ दिखेगा हाफ दिखेगा तो आप पहचान कर लोगे ये या यण संधि है अब मान लो बीच में आपको दिख जाता है य तो य से आपको क्या बजेगा दिमाग में घंटी बजेगी कि य है तो क्या होगा इस तरफ तो होगा ई या ई होगा और य के अंदर जो मात्रा होगी वो हो जाएगी स्वर के लिए करके देखेंगे अभी देखो करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा क्या दे रखा है देव्यागमन अब आप ये शब्द देखते ही आपको लगेगा ये तो आ की मात्रा ये तो दीर्घ संधि है लगेगा ना दीर्घ संधि है आप करने बैठोगे विच्छेद आप क्या करोगे आप लिख दोगे देवी और लिख दोगे आगमन लेकिन जैसे ही आप इसको लिखोगे आपको ये य खटकेगा कि यार ये गया इसका क्या करने का है? तो जैसे ही आपको लगेगा कि यह किधर गया तब आप समझ जाओगे नहीं ये दीर्घ संधि नहीं है ये तो कुछ और है और वो और क्या है फिर आपको याद आएगा अरे ये तो या है, या ये वाला और क्या था इसके आगे वाला आधा होगा तो ये आधा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये दीर्घ संधि नहीं है ये तो हमारी यण संधि है ऐसे अपने आप को चेक करना है ऐसे ही कुछ भी नहीं लगाना है कि हाँ हमने रूल्स पढ़ा और लगा दिया अपने अपने आंसर को जस्टिफाई करो कि अगर मैंने ऐसे बनाया दीर्घ संधि से तो बन रहा है क्या सही से नहीं बन रहा है यह तो मिस हो रहा है और अगर यह मिस हो रहा है तो इसका मतलब ये वो वाली संधि है ही नहीं ठीक है तो ऐसे करोगे तो आप अपने आप को भी पढ़ा सकते हो अपने आप को भी समझा सकते हो और सामने वाले को बता भी सकते हो कि ये क्यों नहीं है अब देखो अब इसको हम इससे बनाते हैं करो अलग इसको जहां संधि हो रही है उसके आगे के शब्दों को तोड़ दो कहा हो रही है यहां हो रही है और एक यहां हो रही है अलग अलग कर दो एक तो लिखा हुआ है ऐसे आधा है ना इसको उधर कर दिया एक लिखा हुआ है ऐसे अब हम अलग करें तो क्या बना हुआ है या बना हुआ है य तो कैसे बना होगा य किस कॉम्बिनेशन से बना है य बना है ई और ई के कॉम्बिनेशन से ई और ई से ठीक है और ये जो य है य तो हट गया क्योंकि इसके साथ कोई स्वर डला हुआ और स्वर कौन सा डला हुआ है इसमें आ की मात्रा तो लिख दिया आ जैसे ही आ लिखा और यह तो क्या हुआ यह तो बनकर आया है और ई और ई से बना है लगा दो इस देव में देव में क्या लग जाएगा देवी और यह आ हट गया तो आगमन आगम है क्या आगमन है आगमन है ठीक है तो ये बन गया देवी आगमन ये बन गया देवी आगमन बताओ ये बात समझ में आई ये वाली चीज कि कैसे इसको हम करते हैं अलग जहां पर भी संधि हो रही ना उस संधि को हटा दो इस जैसे दिख रहा है इसको हटा दो यहां पे जो स्वर लगा हुआ है उसको तो लिख दो क्लियर क्लियर तो आपको ये तो पता है पीछे तो आगमन आएगा अब आगे का देखते हैं आगे का क्या है जैसे यह दिखेगा तो यह तो किसका कॉम्बिनेशन बनता है ई e और ई e का बनता है लगा के देख लो देवी में बड़ी की मात्रा आएगी या छोटी की मात्रा आएगी जैसी आती है उसके अनुसार लिख देंगे ठीक है एक और देखते हैं क्या दे रखा है न्याय वेरी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये दिखने में बहुत छोटा सा है पर है बहुत अच्छा क्या किया आ की मात्रा दिखते ही लगेगा कि वही दीर्घ संधि है जब आप अलग करने जाओगे तो न और क्या बनेगा आय न और आय तो ये तो कुछ होता ही नहीं है तो फिर गलत लगेगा नहीं होगा अब क्या करेंगे अब इसमें हम अगर यण संधि से इसको देखते हैं तो यण संधि से कैसे बनेगा कहां संधि हो, हो रही है इधर संधि हो रही है ना हटाओ यहां पे क्या स्वर लगा हुआ है की मात्रा लगी हुई है पीछे का वर्ड तो सॉर्टेड आए बस हमको क्या करना है आगे वाले के लिए देखना है अब यह किसकी कॉम्बिनेशन से बना है ई और ई से बना है तो एक बार नी में ऐसा लगा लो क्या हो गया ठीक है एक बार तो नी में एक बार तो नी में ऐसे लगा लो और एक नी ऐसे लगा लो तो ये तो रॉन्ग है ये वाला सही है क्योंकि नी मतलब नहीं से नहीं से बताता नी एक उपसर्ग है तो नहीं से बता दो नी आय ये वाला हो जाएगा न्याय बताओ ये वाली बात क्लियर हुई या वापस से रिवाइज वा ताकि आपको एक बार और समझ में आए फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे को <laughs> गौतम क्रेजी को ब्लॉग अरे मैं देखू मैं ना देख रही हूं यहां पे हमारी टीम कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है ब्लॉग होंगे जो भी फालतू बात करते हैं ना क्योंकि इससे फिर डिस्टर्बेंस होता है मैं देखती हूँ कॉमन जो भी आपकी चैट है वो जस्ट ये देखने के लिए देखती हूँ कि किसके कितना कितना आया है या क्या 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 क्या, है हाँ महावस्वी प्रियंका सही लिखा है आपने बेटा क्लियर है चलो एक बार फिर से ठीक है एक बार और फिर से करते हैं अभी एक और एक और है उसको देख लेते हैं ठीक है ये बहुत मस्त है मस्त मीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है देखो मेरा मस्त का मतलब ये होता है बहुत अच्छा है इंपॉर्टेंट है जब मैं कोई मेरे को बोलता है ना तो मस्त है मस्त मीन अच्छा है बहुत अच्छा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो यहाँ पे क्या दिखेगा यहाँ पे आपको आ की मात्रा दिखते ही फिर से वही क्या लगेगा दीर्घ संधि है बट दीर्घ संधि नहीं है क्यों क्योंकि त्र क्या है त्र एक संयुक्त अक्षर है ध्यान है आपको आपने अगर पढ़ा हो तो संयुक्त अक्षर है मतलब ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है एक तो त तो से बना हुआ है और एक से बना हुआ है ठीक है र से बना हुआ है तो ये र तो ये रहा ठीक है और ये त तो ये रहा ये र रह तो ये रहा ये त है यानी ये त्र जो है ना ये किससे बना हुआ है त और र से बना हुआ है अब मैं इसको तोड़ती हूं कैसे तोड़ती हूं मैंने यहां देखा क्या है आ की मात्रा है तो पीछे का तो अलग कर दो यहां तो क्या आ जाएगा आज्ञा आ जाएगा बस हमको क्या देखना है यहां वाला जो शब्द है ना इसको देखना है तो यहां वाले शब्द को अगर मैं देखूं तो क्या है एक तो पी है और अब इसमें से त्र में से र तो संधि हुई है इसकी तो उसको तो हटा दो बच्चा क्या है त ये त मैंने लिख दिया अब इस त में क्या लगती है कोई भी मात, कोई भी स्वर लगा हुआ है तो ये कोई स्वर क्या लगा हुआ है ये र क्या लगा हुआ है ये र है जो ऋषि वाला है ठीक है और उसकी मात्रा क्या होती है ऐसे तो बन जाएगा पित्राज्ञा ठीक है क्योंकि ये से ऋषि जो है ना ये आया है इधर ये रहा। से ऋषि कोई भी स्वर डाला तो कोई भी स्वर क्या डाला हमने आ की मात्रा डाली तो ये बन गया आ गया और ये र कैसे बना है ये र ऋषि से बना है तो ये जो र है ना इसकी संधि किससे करी हमने इससे करी है और त तो इसके अंदर घुसा हुआ था पहले से ही जैसे हम विद्यालय में बोलते तो द और या होता है है ना विद्यालय में जो हम दिया लिखते हैं ना वो क्या है वो दो वो संयुक्त अक्षर है वो द और य के कॉम्बिनेशन से बना है तो ऐसे आप, आपको संयुक्त अक्षर भी ध्यान रखने तो ये त्र कैसे बना है त्र साउंड बोलते त र त्र त और र का साउंड आ रहा है तो त तो हम अच्छे से बोल रहे र उसके साथ बोल रहे तो र आधा है त पूरा है और इस त के साथ हमने क्या लगाई री की मात्रा लगाई क्योंकि अभी तक हम सब वही तो कर रहे थे देवी में भी ई की मात्रा लगा रहे थे और वो कहा गया न्याय में भी हम ई की मात्रा लगा रहे थे तो जो भी आगे की मात्राएं हैं वही लगा रहे थे ये हो गया हमारा कौन सा यण संधि ठीक है तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है जो भी शब्द है इसका विच्छेद करना सबसे ईजी है सबसे ईजी इसका विच्छेद करना है दिखने में बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत ईजी है ईजी है क्योंकि आपको बस पहचान करनी है जो भी य है व है या फिर कोई ऐसा संयुक्त अक्षर है उसके जस्ट आगे वाला क्या होगा आधा होगा अगर आधा है तो आप क्या करोगे पीछे वाले को तो सीधा सीधा अलग कर दो जहां संधि हो रही है किस वजह से संधि हो रही है वो वाली मात्रा लगा दो या किसके कॉम्बिनेशन से बनता है ई ई से बनता है व के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है उ, उ बनता है र के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है रीडीसी बनता है ठीक है जैसे अभ्युत्तर एक शब्द है तो वो इसके लिए आ जाएगा ठीक है अभ्युत्तर जो है वो इसके लिए आ जाएगा, नहीं, जो नहीं है पूछी नहीं जाती है लेकिन आ जाती है कभी कभी आ भी सकती है कभी ऐसे इक्का का, का क्वेश्चन आ जाता है तो अयाधी संधि में क्या है अयाधी संधि सबसे अलग हटाओ तुम सब कुछ अलग ही है वो वो क्या करती है इस जगह पर बोल देती है बहुत हो गया अ आ, आ का ई का ऊ उ, उ का ये का वो का सबका हो गया चलो हटाओ अब ये क्या लेती है हम अलग हैं नए हैं क्या है, है हम ए के साथ कोई भी स्वर कोई भी स्वर मतलब कोई भी स्वर डाल दो तो बन जाता है अ के साथ कोई भी स्वर डालोगे तो बन जाएगा आए।, आए 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 ओ के साथ ओ के साथ कोई भी स्वर डालोगे तो बन जाएगा अव और आओ के साथ कोई भी स्वर बनाओगे तो बनेगा आओ ठीक है अब कोई भी स्वर मींस यहां मैंने कोई भी स्वर लगा दिया जैसे मैंने लगा दिया ई लगा दिया ठीक है अगर मैंने ई लगा दी तो ये क्या बन जाएगा आई जब फैनी छोटी थी ना तो मुझे आई बोलती थी उसको बोलना नहीं आता था आई बोलती थी नेक्स्ट है आय कोई भी स्वर अब आय के साथ कोई भी स्वर डालो तो क्या डालोगे जैसे मान लो मैंने ऊ डाल दिया इधर ठीक है तो क्या बन जाएगा आयु ये तो सही रहेगा ये आधे ना इन आधों के साथ क्या लगेगी कोई ना कोई स्वर लगेगा और इसको कंप्लीट कर देगा तो ए के साथ आए ए के साथ आए ओ के साथ आए, ओ और अओ के साथ आए, आओ ठीक है यही ध्यान रखना है आपको कैसे होते हैं ये इनकी पहचान कैसे करोगे इनकी पहचान ऐसी होती है ये नाइनटी नाइन परसेंट या हाँ नाइन्टी नाइन परसेंट बोलती हूँ ना 99 ये कैसे होते हैं तीन अक्षर के शब्द होते हैं ठीक है तीन अक्षर के होते हैं मोस्टली मोस्टली तीन ही होते हैं कभी कभार आपको कुछ शब्द मिल जाएंगे जो चार के मिलेंगे बट मोस्टली आपको ये क्या मिलेंगे तीन के ही पेयर में मिलेंगे तीन शब्द होंगे उसी के साथ मिलेंगे कैसे देखो जैसे दे रखा है पावन ठीक है पावन में आप यहां देख के अगर सोचो नाइन आपको क्या दिखेगा आव और आव देखते ही आपको लगेगा एक होता है अ एक होता है आय एक होता है अव एक होता है आ तो ए ए ओ, आव। आव आएगा भाई तो यहां आ जाएगा पो। अब आपको क्या देखना है यहां क्या लिखना है तो देखो व में कौन सा स्वर डला हुआ है व में आ की मात्रा नहीं डली हुई है है ना सिंपल है अ है तो बन जाएगा अन ये वाला क्लियर हुआ कि कैसे मैंने विच्छेद किया कि पावन को हमें कैसे करना है आपको दिखा आप तो आपने पर में लगा दिया ये वाला मात्रा और इस वन में क्या है इसमें है तो इस अ को लिख दिया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा एक बात बताओ आज सिर्फ आपको आ, यही संधि सीखनी है या इसका नेक्स्ट पार्ट करें या आज ही सारी संधि निपटा दें कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा ओवर हो जाएगा तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा मुझे हिंट दे दो ताकि फिर उस हिसाब से हम आगे क्लास को कंटिन्यू करें पो नहीं होगा बेटा आ वाली है ना आ की मात्रा है ना पवन होता ना पवन पवन के लिए आप ये लिख सकते थे जैसे पवन आता ना पवन तो पवन में आप लिखते यहाँ पे अ है ना प और अव, अव की है यानी प में अ डला हुआ है अव है अव तब आप लिखते पो अन लेकिन पावन के साथ पो, अन होगा दोनों डिफरेंट डिफरेंट है पवन और पावन दोनों अलग अलग है ज्यादा हो जाएगा रहने दीजिए ठीक है तो आज हम सिर्फ सॉरी आज हम सिर्फ ये संधि कर लेंगे पूरी जितनी भी स्वर संधि है फिर नेक्स्ट क्लास एक और ले लेंगे वहां पर हम इसका एक और पार्ट कर लेंगे ठीक है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ना हो जाए तो जितना पढ़ा है उसको अच्छे से करना ताकि उसकी एक्सरसाइजेस आप खुद से घर पर प्रैक्टिस करना क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करेंगे प्लस इसका रिवीजन भी करेंगे ठीक है और इसका रिवीजन के साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो तब वो वाली चीज करेंगे बाकी के क्वेश्चन बाकी के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब मुझे सब लोग है ना इसका करके दिखाओ नहीं ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए ये मैं करती हूँ इसके आगे है क्या हाँ आप लोग ये करो मैं ये वाला करवाती हूँ भविष्य मैंने कहा था ना कुछ शब्द होंगे जो आपको मिल सकते हैं और ये भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो क्या हुआ आपको इसमें ना आपको गुण संधि दिख रही है न वृद्धि संधि दिख रही है न दीर्घ संधि दिख रही है कोई संधि नहीं दिख रही है, ना ही यण संधि दिख रही है तो यण संधि नहीं तो फिर क्या बची अयाधी संधि बची अब अयाधी संधि के हिसाब से क्या होना चाहिए ये होना चाहिए अब अब मैंने क्या बोला कोई भी स्वर डल रहा है तो इसमें इस बार कौन सा स्वर डल रहा है ई डल रहा है तो इसको तो आगे कर दो अलग से तो एक तो बन गया ईश्य ये तो हो गया सेटल अब ये अवि अवि क्या है अवि हुआ होगा इस अव से तो तो से तो तो ओ बना ईश्य भविष्य भो ईश्य भविष्य वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत चांसेस है इसके आने के ऐसे शब्द जिनके हम विच्छेद समझ ही नहीं पाते हैं तो वही उनमें से कुछ ये वाला है तो भविष्य आप सब लोग मुझे थर्ड वाला करके दिखाओ कि थर्ड का क्या लिखोगे राजू विश्वकर्मा आप होने वाले हैं ब्लॉग बेटा थैंक यू धनंजय यादव ने अक नौ नहीं, 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 नहीं। आ, दिव्या ने सही किया आ, दिया ने सॉरी दिया ने सही लिखा है और पापा की परी कौन है पता नहीं उन्होंने भी ठीक लिखा है और कौन है नौ नहीं मंजित नहीं बेटा सही नहीं है अमित ने ठीक लिखा है जो हिंदी वाले ना मैं वही थोड़े से पढ़ पा रही हूँ क्योंकि बाकी फिर थोड़ा समझ में कम आते हैं अमित ने ठीक लिखा है एंड अमित का तो बार बार हो रहा है रिपीट दिया ने ठीक लिखा है अमित का हो गया कुछ बच्चों ने ठीक लिखा है बाकी थोड़ी शायद में भी मात्रा क्यों अरविंद ने भी ठीक लिखा है कुछ मात्रा की वजह से मिस्टेक हो है देखो क्या दे रखा है नायक तो आपको क्या दिखा आय और आय क्या आता है आय में तो ए आता है आय में दो वारी मात्रा आती है तो जहां पर अब यहां तो क्या दे रखा, यहां तो दे रखा है यहां तो स्वर दे रखा है यहाँ तो अस्वर दे रखा है तो इधर तो अक हो जाएगा और आय कैसे बना है ने से बना है तो ने अक नायक ठीक है तो इस तरह से हमारी संधि कौन सी हो गई अयाधी संधि हो गई आप लोगों को क्या करना है आप लोगों का छोटा सा काम है आप लोगों को करना क्या है जितनी भी ये संधि आज हुई है उन सभी को अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में बना के लिख देना और एक बार रिवाइज भी कर लो मैं भी आपको रिवाइज करवा देती हूं ताकि आप भूले नहीं ठीक है क्योंकि जब हम सारी चीजें कर लेंगे ना फिर वहां बन जाएगी हमारी खिचड़ी ठीक है तो देखो यहां पर हमेशा क्या है सेम सेम है और बनेगा वही उन्हीं की कैटेगरी का ठीक है दीर्घ संधि में सभी जगह ऐसा है अ अ के साथ मिलेगा तो आ बनेगा ई के साथ ई मिलेगा तो ई बनेगा उ के साथ उ मिलेगा तो ऊ बनेगा नेक्स्ट दीर्घ गुण संधि में क्या होता है गुण संधि में यहां तो सभी जगह अ अ होता है लेकिन चेंज कहां होता है दूसरी साइड अ आ के साथ ई ई मिलेगा तो ए बनेगा अ आ के साथ उ उ मिलेगा तो क्या बनेगा ओ बनेगा अ आ के साथ री ऋषि मिलेगा तो री की मात्रा बनेगी ऊपर से सॉरी अर बनेगा ठीक है नेक्स्ट आता है मतलब पहचान के लिए आपको ऊपर वाली मात्रा देखनी है नेक्स्ट आता है दीर्घ संधि वृद्धि संधि वृद्धि संधि में बढ़ोतरी होगी जिसमें अ आ, आ के साथ आपको ए ए मिलेगा और अ आ, आ के साथ ओ ओ मिलेगा ठीक है तो ये रही आपकी वृद्धि संधि इसके बाद आती है हमारी कौन सी संधि संधि यण जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली संधि है तो आप इस पे जरूर फोकस करना ठीक है ये बहुत अच्छे से आपको करनी है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सको कुछ नहीं करना है सर्च कर लेना यण संधि और उसकी प्रैक्टिस कर देना बाकी की भी करना क्योंकि जैसे आगे व्यंजन संधि और आप विसर्ग संधि पढ़ोगे तो आपको वहां पर दिक्कत होगी अच्छा एक बात बताओ किस किस को ख सब याद है अच्छे से सब लोग हाथ ऊपर करो क्योंकि मैं एक छोटा सा होमवर्क और देने वाली हूं आप लोगों को okay. आया संदीप एक बार ना ठीक है आते हैं प्लीज नाम लो पीयूष कुलदीप नाम ले लिया बेटा हाँ पी डीएफ में बिल्कुल देखती हूँ कैसे 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 होता है ठीक है टेलीग्राम पे तो आपको हिंदी समझ में नहीं आती है हिंदी में क्या समझ में नहीं आता बेटा ये बताओ नीलम हम्म हम्म आप लोगों के लिए क्या काम है आपके लिए काम यह है कि जो व्यंजन संधि है ना इसको अच्छे से देख कर आना ठीक है चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं आपको जब व्यंजन संधि कराऊंगी तो मैं बहुत अच्छी मैं एक छोटी सी चीज करके जा रही हूँ आज ताकि आप आगे इसको सही से कर पाओ करना क्या है आप लोगों को आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के साथ साथ ये चीजें करनी है देखो व्यंजन और व्यंजन व्यंजन संधि की परिभाषा को ध्यान मत दो इसमें व्यंजन और व्यंजन आ सकता है स्वर और व्यंजन आ सकता है व्यंजन और व्यंजन आ सकता है इन सब के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं यहाँ पे अब स्वर वाली बात नहीं आती है यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो ये दो शब्दों के कॉम्बिनेशन हम जब बनाते हैं जैसे यहाँ पर हमेशा स्वर स्वर लेते थे अब व्यंजन आएगा ठीक है आपको क्या करना है जैसे ये पूरा आपने जब बच्चे थे छोटे थे तो आप सबको याद होगा कितने बच्चों को ईमानदारी से बताना कि अभी भी ऐसे बिना देखे मैम हमको आता है कि हम पूरा लिख सकते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो चलो कोई नहीं बेटा ठीक है नाम याद है वेरी गुड अब देखो आपको क्या करना है जैसे क वर्ग मैं जैसे ही क वर्ग बोलूंगी तो आपके माइंड में पूरी लाइन आ चाहिए क ना ठीक है जैसे च वर्ग बोलूंगी क्योंकि आगे जैसे ही हम रूल्स पढ़ेंगे वहां ऐसे बार बार रिपीट नहीं होगा वहां यही रिपीट होगा क वर्ग च वर्ग में ट वर्ग बोलूंगी ऐसा बोलूंगी मैं क वर्ग का तीसरा वर्ण क वर्ग का चौथा वर्ण तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए क वर्ग का तीसरा वर्ण मतलब क ख वर्ण घ पांचवा वर्ण ऐसे करके आपको याद देना चाहिए ठीक है ये आपको चीज करके रखनी है जैसे ही मैं ट वर्ग को बोलूंगी जब मैं चेंजेस बताऊंगी तो मैं ऐसे बोलूंगी ट वर्ग जो है अपने तीसरे वर्ण के साथ परिवर्तित होगा तो आपको ट से फटाफट सोचना है है ट से तीसरा वर्ण क्या ठ ढ ऐसे करके ठीक है त वर्ग के लिए बोला था त थ, ध, प, के लिए बोला था प फ ब ऐसे ठीक है तो आपको ये सारे अच्छे से पढ़ के आने हैं दूसरा अंतस्थ व्यंजन बोलूंगी जब मैं तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं जो अंदर ही घूमते रहते हैं जैसे हम बोलते हैं अंदर अंदरी, अंदर 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 ही ही साउंड चल रहा है तो वो सारे से होते? होते। उश्म वेंजन, उश्म वेंजन कौन से होते हैं उष् व्यंजन व्यंजन कौन से होते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड ऐसा लिखा होता है निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन है या निम्न में से कौन सा व्यंजन नहीं है तो ये आपको ध्यान रखना है व्यंजन संधि में मोस्टली यहां से ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि जैसे बोल देंगे क ऐसे बोल देंगे कि क वर्ग जो है वो कहाँ से साउंड होता है ये जो है ना ये सारे इन सबको बोलते हैं ये जो इतने हैं ना ये सब क्या है हमारे स्पर्श व्यंजन है ये क्या है हमारे स्पर्श व्यंजन है स्पर्श मतलब ये हमारे किसी न माउथ के किसी न किसी चीज से टच करते हैं जैसे आप क के कर वर्ग के लिए बोलो तो बोल के देखो सब लोग अपने अपने घर पे बोल के देखो क ख क्या हो रहा है गले से आ रहा है कंठ से आ रहा है क ख गण ठीक है दूसरा है च तो च के लिए बोलो च छ झ तो क्या हो रहा है तालू से टच हो रहा है मतलब ऊपर का जो साइड है वहां से टच हो रहा है आप बोल के देखो तो आपकी टंग टच हो रही होगी वहां पे। फिर ट के साथ ठ, ढ, यानी टर्न हो रहा है आपकी टंग जो है वो टर्न होकर के तीत और अपने आप, आपके जो ऊपर का जो तालू है उन दोनों को टच कर रही है तो वो हो जाते हैं ट वर्ग फिर त तो त के साथ क्या बोलते हैं थ ध न यानी ये टीथ से और आपके ऊपर की चीज से टच हो रहे हैं जब आप प के लिए बोलते हैं यानी ये टीथ यानी ये दंत वाला होता है ठीक है तीथ के लिए होते हैं दंत के साथ त थ न आपकी टंग जो है वो किस पे लग रही है टीथ पे लग रही है बोल के देखना आप ना ये चीज ये क्वेश्चन आता है पूछा जाता है कि त वर्ग जो है वो कौन सा होता है तालु है कंठ है दंत है मुर्दा है ऐसे आते हैं तो वहां पे आपको ये बोल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा पता ही नहीं होगा कि मूर्धा क्या होता है तो कैसे करोगे मूर्धा होता है जब हमारी टंग जो है टीथ और प्लस ऊपर को टच कर रही है यानी कि इस ट वर्ग को टच कर रही है तब आपको बोलने में आएगा ट टी रोल हो रही है आपकी टंग जो रोल होती है वो इसके लिए होती है जैसे प प वर्ग में कैसे बोलते हैं प फ भ भ म मतलब हमारे लिप्स टच हो रहे हैं आपस में लिप्स जो टच हो रहे हैं तो वो ओष्ठ होता है तो ये ओष्ठ के लिए होते हैं ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं तो इन सबको आपको पढ़ के आना है इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है प्लस अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं क्योंकि ये अंत कैसे होते हैं अंदरी, अंदरी, अंदर ही अंदर ही अंदर घूमते हैं उष्म व्यंजन में उष्म आती है मतलब हीट आती है जैसे आप बोलते हैं ना श स, ह, ऐसे मतलब हीट आ रही होती है अंदर से तो ये वाले उष्म व्यंजन होते हैं तो पूछा जा सकता है निम्न में से उष् व्यंजन कौन सा है तो आप अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हो ना कि ये वाला है या कौन सा नहीं है तो वो भी आप बता सकते हो और प्लस एक और चीज ये क्या होते हैं इन पांच को हम बोलते हैं पंचमाक्षर जो भी हमारे क च ट त, त और प वर्ग के जो लास्ट के हैं ये सारे ये हमारे क्या हैं ये हैं हमारे पंचमाक्षर ठीक है तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा ना ज्यादा इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो अभी तो आगे आप रूल्स देखोगे तो आपको बहुत सारे रूल्स मिलेंगे कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन फिर आगे और चीजें हैं अब देखो मैं अगर ना बोलूंगी कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन तो आपको समझ में आएगा क्या समझ ही नहीं आएगा कि क्या पहला वर्ण क्या तीसरा वर्ण इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का इस वर्ग का तीसरा वर्ण ये पहला वर्ण है इस पहले का तीसरा वर्ण तो ये हो गया तीसरा इसका तीसरा ये रहा इसका तीसरा ये रहा इसका तीसरा ये रहा इसका तीसरा ये रहा अब मैंने बोला अभी आगे और रूल आएगा तो इसका पांचवे में चेंज होगा तो पांचवा ये रहा इसका पांचवे में चेंज होगा तो ये रहा तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के आनी है लिख के रख लेना ना एक कॉपी में लिख लेना जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे ना हिंदी की तो वहां पे ये पूरा लिख के रखना अपने पास ताकि जब संधि करेंगे तो फटाफट से मैच कर सको चलो ठीक है और किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो कल की क्लास नहीं अब देखेंगे नेक्स्ट कब क्लास करते हैं हिंदी की क्योंकि वैसे तो मेरा था कि संधि हम एक बार में पढ़ लें लेकिन अब आप कह रहे हो कि ओवर हो जाएगा और मुझे भी लग रहा है कि ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए <laughs> क्या है चिंता सिंह चिंता सिंह चलिए सुभाष प्रकाश विशाल रोहित दिया ओके okay. चलो ठीक है ये ब्लॉक करेंगे एक जो भी फालतू भाल, बातें करते हैं ना उन सबको ब्लॉक कर देंगे चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर गुड नाइट